हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी न्यूज। ध्वनि भानुशाली एक प्रसिद्ध भारतीय गायक और मॉडल है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। ध्वनि भानुशाली कई फिल्मों में पार्श्व गायन कर चुकी है जिनमें सत्यमेव जयते भी शामिल है। वो अपने स्कूल के दिनों में समूह गीत में भी भाग लिया करती थी। 13 साल की उम्र में ध्वनि भानुशाली ने गाना गाना शुरू किया। उनके पास एक यूट्यूब चैनल है जो उन्हें पूरे सोशल मीडिया में प्रसिद्ध बनाता है। ध्वनि ने एमटीवी अनप्लग सीजन 7 में अमल मलिक द्वारा रचित नैना गीत गाकर अपनी शुरुआत की। ध्वनि भानुशाली का जन्म 2 जून 1998 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ध्वनि के पिता का नाम विनोद भानुशाली है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के एक निजी स्कूल से की है। वह एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ग्रेजुएट है। जब वह स्कूल में पढ़ती थी तब ध्वनि को गाना गाना बहुत पसंद था। पढ़ाई के दौरान उस समय ध्वनि भानुशाली ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जो उनके करियर का एक बड़ा मोड़ था। अपने यूट्यूब चैनल में वह कई अंग्रेजी और हिंदी गाने शामिल करती है और लोग उसे पसंद करने लगे। वहां से उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिर उन्हें अपनी अद्भुत आवाज के लिए बॉलीवुड में मौका मिला। ध्वनि भानुशाली ने फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क से इश्तियार सॉन्ग के साथ अपनी पहली शुरुआत की। उन्होंने एमटीवी अनप्लग सीजन 7 में नैना को गाकर भी डेब्यू किया। जब वह केवल 19 साल की थी उन्होंने सत्यमेव जयते फिल्म से प्रसिद्ध बॉलीवुड ट्रैक दिलबर को भी अपनी आवाज दी है। ध्वनि ने गुरु रंधवा के साथ एक प्रसिद्ध गीत इशारे तेरे गाया जो 25 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। ध्वनि भानुशाली की मां रिंकू बताती है, बचपन से ही ध्वनि को सजने संवरने का बहुत शौक रहा है। मेरी ड्रेसिंग टेबल से वह अक्सर क्रीम और मेकअप का सामान बिना किसी को बताए निकाल लेती थी और फिर पूरा मेकअप खुद से ही कर लेती थी। लेकिन बड़ी होकर भी वह अपना मेकअप खुद ही करती है तो किसी परी से कम नहीं लगती। उसको नजर ना लगे इसके लिए मैं लगातार उसकी नजर उतारती रहती हूँ। अब तो वह अपने गानों में अपने लुक भी खुद ही डिजाइन करती है और बाहर जाती है तो भी अपना सास खुद ही संभाला करती है। अपने हर म्यूजिक वीडियो और फिल्मी गाने के लिए करोड़ों व्यूज पाने वाली ध्वनि भानुशाली संगत इंडस्ट्री में बिलियन बेबी के नाम से मशहूर हो चली है। इन बिलियन व्यूज का क्रेडिट वह अपनी गायिका के अलावा पूरी टीम को देती है। आमतौर पर बच्चों को मिठाइयां और तले हुए खाने से दूर रखने वाली उनकी माँ तब मजबूर हो जाती है जब उनके पापा विनोद भानुशाली अपनी बिटिया के लिए चिप्स और चॉकलेट पर कोई रोक नहीं लगाते। ध्वनि का अपने पिता से रिश्ता काफी समझदारी भरा है और अपने गानों से लेकर पढ़ाई और छुट्टी तक वह हर बात उनसे साझा जरूर करती है। ध्वनि भानुशाली के बारे में एक छुपा हुआ राज ये भी है कि वह अपने पिता की तरह घूमने फिरने की शौकीन है। नए नए शहर जाना, वहाँ के लोगों से घुलना मिलना और उनके संस्कृति को करीब समझने की वह काफी वक्त बिताती है। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट भी ध्वनि का बचपन से ही शौक रहा है। घुड़सवारी, निशानेबाजी के अलावा वह वाटर स्पोर्ट में भी अव्वल रही है। भानुशाली परिवार में संगीत विरासत में रहा है। ध्वनि का अपने बाबा प्रधान भानुशाली से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। जो बातें वह अपने पिता व माँ से साझा नहीं कर पाती उन पर अपने बाबा से चर्चा कर लेती है। बचपन में अपने बाबा की मूंछों से खेलने वाली ध्वनि ने पहली बार अपने बाबा के लिए ही एक घरेलू कार्यक्रम में गाना गाया जो कि एक आरती थी। ध्वनि के बाबा संगीत के पुजारी रहे हैं और गायिका ये वरदान उन्हें अपने बाबा से ही मिला है। ध्वनि भानुशाली को जानवरों से बहुत प्यार है। कहीं भी कोई जानवर उन्हें तकलीफ में दिखे तो वह आगे बढ़कर उसके लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करती है। घर पर उनका पालतू कुत्ता लियो उनके लिए सब कुछ है। घर आते ही थकान मिटाने के लिए जो काम ध्वनि सबसे पहले करती है वह है अपने प्यारे से डॉगी लियो के साथ खेलना। लियो बिना ध्वनि एक दिन भी नहीं रह पाती और उनकी कोशिश ये भी रहती है कि बाहर जाए तो उससे साथ ही ले जाए। वैसे तो ध्वनि भानुशाली को अपनी गायिका और अपने स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर फिट रहना पड़ता है और उनकी खुराक भी उसी के हिसाब से तय होती है। लेकिन समोसा ध्वनि की सबसे बड़ी कमजोरी है। मुंबई में परवरिश के बाद ध्वनि उत्तर भारतीय समोसे बहुत चाव से खाती है और कई बार तो इसके लिए चीटिंग भी कर लेती है। ध्वनि बताती है अलग अलग क्षेत्रों के भोजन में ही वहाँ का राग छुपा है।
अगर आप किसी इलाके के खान पान के बारे में समझते हैं तो वहाँ के लोग को समझना आसान हो जाता है। ध्वनि भानुशाली हालांकि खुद अभी 21 की है, लेकिन घर पर वह किसी काबिल संरक्षण की भूमिका भी निभाती है, और यह होता है अपनी छोटी बहन दिव्या के लिए। दिव्या के लिए ध्वनि हर मुसीबत का हल है, पढ़ाई से लेकर पार्टी तक दिव्या के लिए हर बात में पहली आखिरी सलाह ध्वनि की ही मायने रखती है, और ध्वनि भी अपनी बहन को खुश रखने के लिए सब कुछ करती है। यहाँ तक कि सब दिव्या का मूड ठीक नहीं होता तो वह उसके लिए डांस भी करती है। इस सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के जरिए कई नए कलाकारों और सिंगर्स को लॉन्च करता है। इन्हीं में से एक सिंगर है जिनको गानों ने यूट्यूब पर धूम मचा रखी है। इन सिंगर का नाम है ध्वनि भानुशाली। कम सत्यमेव जयते के गाने दिलबर से मशहूर ध्वनि ने अपने नए गाने वास्ते से भी सभी को बता दिया है कि वह कितनी उम्दा सिंगर है। इस हिट गाने वास्ते को मशहूर म्यूजिक कंपोजर तनिष पक्षी ने बनाया है। 6 अप्रैल को टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वास्ते गाने के म्यूजिक वीडियो ने अभी तक 27 करोड़ व्यूज पा लिए हैं, लेकिन इससे बड़ा रिकॉर्ड इस गाने ने लाइक के मामले में बनाया है। इस गाने को YouTube पर करीब 40 लाख लोग थम्स अप दे चुके हैं, यानी लाइक कर चुके हैं। YouTube पर लाइक का ये नया रिकॉर्ड है। इस नए रिकॉर्ड के बारे में तनिष बागची कहते हैं, YouTube अपना हुनर दिखाने के लिए सबसे उम्दा प्लेटफॉर्म है। यहाँ हमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल जाता है। ध्वनि जैसी उम्दा सिंगर के साथ काम करके मैं भी बहुत खुश हूँ। वास्ते एक ओरिजिनल कंपोजिशन है और इसके इतने अच्छे रिस्पांस को देख मैं बहुत उत्साहित हूँ। वास्ते सिंगल इस कामयाबी पर टी सीरीज के एमडी भूषण कुमार भी काफी खुश है। वह कहते हैं, ध्वनि टी सीरीज की सबसे यंग आर्टिस्ट है जिसने इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई को पा लिया। इस गाने की पूरी टीम इस कामयाबी पर बधाई की हकदार है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधवा के सितारे इन दिनों सातवें आसमान पर है। पटोला गाने से अपनी पहचान बनाने वाले गुरु रंधवा आज अपना कोई भी नया गाना लाते हैं तो वह चंद घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, साथ ही दर्शकों को पहली पसंद भी बन जाता है। हाल ही में रिलीज हुआ उनका मेड इन इंडिया करोड़ों लोगों की पसंद बन चुका था। अब उनका एक और नया गाना रिलीज हो गया है। गुरु रंधवा के इस नए गाने का नाम इशारे तेरे है। खास बात यह है कि इस गाने को गुरु के साथ दिलबर गाने से कई दिलों की धड़कन बनने वाली सिंगर ध्वनि भानुशाली ने भी गाया था। गौरतलब है कि ध्वनि ने दिलबर गाने से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बात करें इशारे तेरे गाने की तो इस गाने को टी सीरीज भूषण कुमार और म्यूजिक बुटीक के शमीर टंडन ने मिलकर बनाया है। इस गाने का संगीत और बोल गुरु रंधवा ने दिए थे। ध्वनि के साथ मिलकर गुरु रंधवा ने इस गाने को बड़े ही शानदार तरीके से गाया। गाने का निर्देशन गिप्पी ने किया है। अब अगर हम बात करें ध्वनि के फेवरेट सिंगर की तो एआर रहमान, नेहा कक्कर, श्रेया घोषाल, सोनू निगम ये तीनों ध्वनि के फेवरेट सिंगर्स हैं। इन सिंगर्स को देखकर ही ध्वनि को सिंगिंग की हॉबी लगी थी। अब उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो मालदीव, लंदन, इजिप्ट उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है। छुट्टियों में ध्वनि हमेशा वहाँ घूमने जाती है। ध्वनि ने ग्रेजुएट किया है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। उनकी अर्ली लाइफ और करियर की बात की जाए तो आपको पता ही है कि ध्वनि सिंगिंग करती है और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने सिंगर में करियर शुरू किया और अब वो काफी पॉपुलर सिंगर बन चुकी हैं। ध्वनि को जानवरों से भी प्यार है। उन्होंने अपने घर में कई तरह के डॉग्स को पाल रखा है। ध्वनि उनके साथ खाना भी शेयर करती है और कई सारे वीडियोस डॉग्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। यहाँ तक कि ध्वनि को अपने डॉग्स के बिना नींद भी नहीं आती। वो हमेशा एक डॉग को अपने साथ लेकर सोती हैं। उनकी फैमिली में उनकी मम्मी, पापा, यंगर सिस्टर और खुद ध्वनि है। ये उनकी छोटी सी फैमिली है। ध्वनि मुंबई के 4 BHK अपार्टमेंट में रहती है। उनके पास अपने खुद की एक मिनी कॉपर कार है। दोस्तों, इस वीडियो में ध्वनि भानुशाली से जुड़ी सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की है। तो फिलहाल अभी की जानकारी में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे स्पीडी न्यूज के साथ।